सर फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि प्रोड्यूसर पैसा लगाया फिल्म को बनाए, एक अच्छी फिल्म बनाए, मैं अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ। प्रोड्यूसर अच्छे हैं अमित राय, एक्टर भी अच्छे हैं देव तिवारी, देवलीना, सिकंदर खान, राजीव वशिष्ठ, बहुत सारे लोग हैं इस फिल्म में। अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ और अमित राय का पूरा सहयोग है फिल्म को बनाने के लिए, बोल रहे हैं कि अच्छे से बनाइए फिल्म। जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी सारे कलाकार नजर आए, तो लोगों को सिलेक्ट करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए इस फिल्म में? बहुत आसान है एक्चुअली, कोई मुश्किल काम नहीं है। नए चेहरे तो आप लोगों को पता है कितने स्ट्रगल कर रहे हैं एक्चुअली। देव तिवारी नए नहीं है मेरे लिए, ऑलरेडी मेरे साथ में एक फिल्म कर रहे हैं एक्चुअली, तो उनके साथ में दूसरी फिल्म है मेरी। देवलीना नहीं है इस फिल्म में, पहली बार उसको ब्रेक दिया है। उसका ऑडिशन लिया था, उसने अच्छा लगा, जिस कैरेक्टर के लिए उसको बुलाया था उसने उसको निभाया, तो उसको कास्ट कर लिया। इसके अलावा फिल्म के म्यूज़िक की बात करें तो कितना अलग होगा फिल्म के लिए, इसके बारे में कितना? म्यूज़िक में हर फिल्म का अच्छा ही बनाता हूँ एक्चुअली, आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा कायनात फिल्म का भी अच्छा बनाया। जिस तरह से नाम काफ़ी रोमांटिक लग रहा, तो गाना भी कुछ उस तरह का ही हो रहा? रेन रोमांटिक फिल्म नहीं है एक्चुअली, ये एक्शन सिनेमा है एक्चुअली, ये स्पिरिचुअल एक्शन सिनेमा है। मतलब ये फिल्म अपरिचित फिल्म से इंस्पायर्ड है एक्चुअली कुछ हद तक जी। इसके अलावा लोकेशन क्या क्या होगा फिल्म का, उसके बारे में? फिल्म का लोकेशन तो मुंबई शूट करेंगे, कुछ हम लोग शूट करेंगे यूपी, और कुछ रहेगा तो पनवेल शूट करेंगे। फ्लोर तक कब तक आएगी ये? विद इन 15 डेज इंशाल्लाह फ्लोर पे आ जाएगी फिल्म। ऑडियंस से मैं ये हर बार बोलता हूँ, इस बार भी बोलूँगा कि अपनी दुआएं दें इस फिल्म को बनाने में, कामयाब करने में आपका साथ दें। थैंक यू वेरी मच। होप है मूवी बहुत ही सुंदर बने और बहुत ही अच्छे, जैसा कि आप देख ही रहे हो कि जितनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं अमित भाई और जितने अच्छे कर रहे हैं भाई और पूरी टीम, होप यही है कि बहुत ही सुंदर पिक्चर बने और इंशाल्लाह शायद ये बहुत ही अच्छी यूनिक मूवी होगी। इस बार कुछ अलग करेंगे अमित भाई। सर आप कुछ कहना चाहेंगे आपके दोस्त का, आपको शुभकामनाएं? जी उनका तो बड़प्पन है कि हमारे पास आए, उनका बड़प्पन है कि हमारे पास आए, और मुझे तो बेहद खुशी है कि हमारे कई लोग और मेरे पिताजी हमारे साथ हैं। मुझे सबसे ज़्यादा एक खुशी है कि मेरे पिताजी हमारे साथ हैं और हमारे गाँव के लोग मेरे साथ हैं। तो फिल्म में किसी तरह किरदार है इनके लिए? जी जरूर, वो करेक्टर है, जो भी करेक्टर है आगे सस्पेंस बना हुआ है, खुल जाएगा आगे चल के, सब लोगों को अच्छा लगेगा। जो भी करेक्टर है बहुत अच्छा है। और मेरी तो शुभकामनाएं अमित भाई के साथ कि हमेशा ऐसे ही प्रोग्रेस करें अच्छी अच्छी लोगों को, बिकॉज आज इंडस्ट्री को एक अच्छी मूवी चाहिए और उसे प्रेजेंट करते हैं भाई, और अच्छी बनेगी तो डेफिनेटली सबको पसंद है। मैं सभी ऑडियंस से, आपने जितने भी हमें सुन सकते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बनने के बाद इस पिक्चर को सपोर्ट दो, अपना प्यार बनाओ और नेक्स्ट टाइम और अच्छी मूवी भाई लेके आएंगे। धन्यवाद। ओके थैंक यू। है और फिल्म अच्छी ही बनेगी, क्योंकि जो डायरेक्टर हैं हमारे इकबाल जी, उनका जो टेक्निक है वो सबसे अलग है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा ऑडियंस से कि हमारी जो एक अपनी टीम है और इस टीम के अंदर जो भी फिल्में बनती है वो फिल्में देखने के लायक होती है। ऐसा नहीं कि ये फिल्म सबसे अलग होती है, बस इसमें फ़र्क यही होता है कि इसमें ट्रीटमेंट से लेके कहानी से लेके सारी चीज़ें विजुलाइज अच्छे से करते हैं और ये भी फिल्म अच्छी बनेगी। थैंक यू। बहुत ही अच्छी मूवी है, एक एक्शन मूवी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डायरेक्टर इकबाल पक्ष और प्रोड्यूसर, इनका मेन मकसद है फिल्म को कामयाब करने के लिए कि एक बहुत ही अच्छी मूवी बने, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि सत्र की सबसे हिट फिल्म रहेगी। और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर किया देव तिवारी जी ने और देवलीना जी ने। थैंक यू। देखेंगे हमारे डायरेक्टर इकबाल बख्श जी का है पिक्चर, वह अमित राय है इसमें, सबको जमेगा, अच्छी पिक्चर लगेगी आप लोग को जी। थैंक्स। बाइट के लिए बोले किस तरह किरदार है आपका इस फिल्म के अंदर? आप हीरो के भाई बने हैं या हीरोइन के भाई? तो हीरो को मारते हुए नजर आएंगे? नहीं। फिर प्यार करते हुए नजर आएंगे? तो क्या करते हुए नजर आएंगे? मारते हुए नजर आएंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? हाँ बहुत अच्छा फिल्म है, आप लोग मैं चाहूँगा सब कोई आके मिल के देखे फिल्म, और फैमिली फिल्म भी है और एक्शन भी है, रोमांस भी है,
अच्छी फिल्म है। थैंक यू दादा।